टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज आम आदमी पार्टी के तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के अबू अल्तमस फैजी ने टोरेंट पावर के फास्ट मीटर और बस स्टॉप पर एनसीपी के लगे होर्डिंग और वैक्सीन के मामले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू अल्तमस फैजी ने एनसीपी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही पुलिस के कामों को लेकर भी अबू अल्तमस फैजी ने सवाल उठाए हैं। वही मुंब्रा में जो एलईडी लगाया गया है, उस एलईडी का जिक्र करते हुए अबू अल्तमस फैजी ने देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अबू अल्तमस फैजी ने जो कुछ भी कहा, उस पर हमने एनसीपी के कलबा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष एवं परिवहन समिति सदस्य शमीम खान से भी उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त मुंब्रा शहर से बाहर हैं और अबू अल्तमस फैजी के एक एक सवालों का वो जवाब देंगे। बहरहाल आज हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें क्या कुछ कहा है सुनिए। देखिए, टोरेंट से पूरा शहर हमारा इस वक्त बदहाल हो चुका है, बहुत बुरी तरह बदहाल हो चुका है और ये लोग जानबूझ करके जाकर के काट रहे हैं। रोजाना 100-150 काट रहे हैं और काटने के बाद जो है उनसे 50% भरने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जहां तक सुनवाई है पब्लिक की, कि पब्लिक जाके कंप्लेन करती है, जितनी कंप्लेन कर रही है उसका भी सुनवाई मुझे याद है कि मैंने नवंबर में किया था, ठीक है, दिसंबर में किया था, दो बार तो इनको बल्क में दिया था, उसकी भी आज तक बहुत से लोगों की उसमें करेक्शन होकर के बिल नहीं मिला है। और हम बार हर सैटरडे संडे को उनको भेजते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं जो लोग मेरे पास आते हैं, और उनके मैं देख रहा हूँ कि 30% लोगों के बिल में प्रॉब्लम है। इनका मीटर जो मैंने फर्स्ट इंस्टेंस में जा करके इनके लैब में उनका नया मीटर चेक किया, तो फर्स्ट इंस्टेंस में 3 बार चेक हुआ, 2 बार उन्होंने अंदर जाके प्रोग्रामिंग की, फर्स्ट इंस्टेंस में प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। हमने सीधा सीधा कहा 6 किलो लोड दे दीजिए और इनका आप जो है 10 मिनट इसको फिक्स कीजिए, 10 मिनट फिक्स किया और 6 किलो वाट का हमने लोड डलवाया और वो 11% उस टाइम सेम टाइम में 11% वो फास्ट मिली, तो वो हमने ऑन रिकॉर्ड और इनको बहुत दिनों के बाद कहने के बाद हमने कहा था कि आपका हम मीटर चेक करेंगे, 11% हमको फास्ट मिला था। बहरहाल हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि सारे मीटर हैं या आधे मीटर है उससे नहीं है, लेकिन अब हम एक ऐसी टीम तैयार करना चाह रहे हैं जो इनके सारे मीटर का ये करेगी और उनके सामने अगर ये इतना बड़ा है तो बहुत भारी केस इनके ऊपर हम करने वाले हैं। इसके लिए आंदोलन भी करने वाले थे। आंदोलन करने वाले थे, हमें आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है और कुछ टेक्निकल वजह भी आ गई कि ये लेटर और वो लेटर और पुलिस की तरफ से दिया जा गया ताकि हमारे आंदोलन को रोका जाए। और हमने हमेशा देखा है कि पुलिस कहीं ना कहीं टोरेंट का हमेशा साथ देती हुई हमको दिखी है, ठीक है, पब्लिक की तरफ से नहीं है, पुलिस होती है पब्लिक के लिए। आज हम देख रहे हैं कि ठीक अंग्रेजों वाली हालत हो गई है कि पुलिस काम कर रही है शासन के लिए, ठीक है, और शासन ने जिनको कॉरपोरेट सेक्टर को दिया है प्राइवेट कंपनी के, उनके देखभाल के लिए काम कर रही है। पुलिस कभी पब्लिक के लिए नहीं आ रही है कि कोई पब्लिक अगर कहे पुलिस को कि देखो यहाँ आए हैं और हमारा जो मीटर है वो फास्ट चल रहा है, हमने रिपोर्ट भी किया है, तो पुलिस वहां जाकर के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन वो कहेंगे कि साहब हम काटने के लिए आए हैं और ये लोग बाहर निकल के हमको काटने नहीं दे रहे हैं, तो ये फौरन पूरी फौज वहां पर भेजेंगे इनको, ऐसी ही है, क्योंकि किसका क्या फायदा हो रहा है वो खुद समझे, तो पब्लिक के पैसे से इनको पेमेंट मिलता है और ये काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। तो आपका दूसरा मुद्दा था कुछ बस स्टॉप बैनर का मसला, जहां तक है कि बस स्टॉप किसी के सौजन्य से नहीं बना है, इन लोगों के इससे नहीं बना है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पब्लिक के पैसे से बना है और वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वो पहले भी गांव में 30 साल पहले से भी ईंट का बना हुआ बस स्टॉप होता था, 30 साल के बाद शर्म आनी चाहिए थी कि इस पर लगाना नहीं चाहिए था कि 30 साल के बाद बॉम्बे जैसे जगह के बगल में आप 30 साल के बाद एक बस स्टॉप बना करके उसके ऊपर लगाना, किसको बेवकूफ बना रहे हैं, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं होनी चाहिए थी। और उस पर लगाया है तो आपका लगाने का इख्तियार नहीं है, वो पब्लिक के पैसे से लगा है, आप तो अपने आए दिन कहीं पर उससे बड़े बड़े आप लगा सकते हैं, अपना होर्डिंग लगा लीजिए, बैनर लगा लीजिए, जो चीज लेटर हमने सारे कमिश्नर को दे दिया है, सारे हमारे पास लेटर्स मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त रखे हुए हैं कमिश्नर को और जितने भी लोगों को ट्रांसपोर्ट कर देना था। हमारी मांग ये है कि ये जितने भी हमारे ये जो बस स्टॉप हैं उनके वहाँ पर से जितने भी फोटो इन एक पर्टिकुलर पार्टी के लगे हुए हैं उनको निकाल दिया,
निकाला जाए जल्द से जल्द, और अगर नहीं निकाला जा रहा है तो उसका रीजन दिया जाए, जस्टिफाई किया जाए कि क्यों नहीं निकाला जा रहा है, क्या ये जेन्यून है लगाना उनका, सही है, और अगर सही नहीं है तो आप निकाल दीजिए, नहीं निकालेंगे तो हमारी पार्टी एक टाइम लिमिट देगी, उसके बाद हम उसको नोच करके फेंक देंगे, नीचे हटा देंगे, क्योंकि आपके पैसे से नहीं बना हुआ है, पब्लिक के इससे बना हुआ है, इसलिए आपको एक किसी पर्टिकुलर पार्टी को लगाने का हक नहीं है। ठीक उसी तरह से एलईडी का मसला है कि जो एलईडी लगाया गया है उसमें शहीद के नाम पे आप अपना प्रचार किए चले जा रहे हो, आप लोग वहां पर मत लगाओ अपना कोई प्रचार मत करो शहीद के नाम के ऊपर, शहीद और तुम दो अपोजिट लोग हो, एक तरफ शहीद है तो एक तरफ देशद्रोही है, मैं उन तमाम लोगों को देशद्रोही मानता हूं जैसे अंग्रेज यहां से लूट के ले जाते थे, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक के टैक्सेस से बने हुए किसी भी स्कीम का लूट मार करते हैं जो नेता, मेरे नजदीक मेरे नजर में उतनी ही देशद्रोही है जितना अंग्रेज थे। ठीक है, तो हम उनको देशद्रोही मानते हैं, तो उनका अपमान मत करो कि उनके फोटो के साथ तुम अपना फोटो चलाने की अपना ऐड देने की कोशिश नहीं करना है, उनको खत्म करना है, एलईडी आप बंद करो, और एलईडी पर अगर रहेगा तो एलईडी पर तीन ही चीज इनको दिखानी है। नंबर एक, अभी क्या स्कीम है गवर्नमेंट की, कौन कौन सी प्रोजेक्ट मुंबरा के अंदर मुंबरा कौसा के अंदर चल रही है, नंबर एक। दूसरा इनको दिखाना है एलईडी के ऊपर कि कौन कौन सी पब्लिक स्कीमें हैं गवर्नमेंट की, वो उस पर दिखाया जाए तो पब्लिक को उससे फायदा हो। तीसरा ये दिखाना है कि जितने कॉरपोरेटर वाइज प्रभाग नंबर इतना, कॉरपोरेटर नेम इतना, पिछले 5 साल में हमने इनको पैसा दिया इतना, काम किया ये प्रोजेक्ट हुआ, सारे पैसे का हिसाब किताब, ये तीनों चीज़ें चलनी चाहिए।